I am Sir Fahim from Dolena Public School. I teach mathematics. जैसे कि बच्चों आपको exercise 1A मैंने जो है वो पहले ही complete करा चुका हूँ. अब हम जो start लेंगे वो exercise 1B. exercise 1B आ जाइए. 1B जो है हमारे पेज नंबर फाइव ओपन करें हम. सही ओके. अब एक्सरसाइज 1B के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म. इसको हमने नीचे जो गिवन क्वेश्चंस हैं इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है. सही. अब इसको मैं सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका बता दूं. एम सेट एक एम इक्वल्स टू एक्स. एक्स के बाद जो साइन लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स. सच दैट एक्स एक्स है किसके मेंबर, इज़ द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. हमने जितने भी प्रेजिडेंट गुजरे हैं, सदर गुजरे हैं पाकिस्तान के, उन तमाम का सेट हमने उन तमाम के नाम लिखने हैं और इस तरह ही हमारे पास प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सेट बन जाएगा. सही. अब इसको हम सॉल्व करने शुरू करते हैं. नंबर वन, हमने m लिखा, m इक्वल्स टू सबसे जो पहले सदर पाकिस्तानी गुजरे, इस्कंदर मिर्ज़ा. सेकेंड अयूब खान. हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आपको जो जो सदर नाम याद आते रहें आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल सीरीज़ में लिखें. सही है. लेकिन बाहर में तो भी सीरीज़ में लिखवा देता हूँ. याह्या खान, अभी मेरे पास बोर्ड पर जैसे आगे मज़ीद जगह ज़रूरत नहीं है तो हम इसको मज़ीद नीचे लाइन में लिखना शुरू कर देंगे. ओके. याह्या खान, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक के बाद फारूक लवारी, उसके बाद सदर रफीक तारड़, उसके बाद परवेज मुशर्रफ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी. मैं फिर मैं इसका नीचे कोई क्वेश्चन मिटाता हूँ, आप लोगों को नहीं दिखेगा. मैंने क्वेश्चन असल में पहले लिख लेते ताकि आपको बस सॉल्व कराता चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे नाम ज़्यादा हैं लिहाजा हमने अभी एक क्वेश्चन नीचे वाला रफ कर दिया है. आसिफ अली जरदारी, उसके बाद मामून हुसैन,
ممنون حسین एंड इस वक्त जो हमारे पास सदर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ अलवी अब यहाँ पे इस सेट को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम बंद नहीं करेंगे, याद रखिए जो लास्ट लाइन के अंदर जो आएगी वैल्यू या जो भी नंबर होगा या जो लिखा हुआ होगा वहाँ पर सेट को क्लोज़ किया जाएगा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मुमकिन है जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाया है आरिफ अलवी जो है आपकी बुक के अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि आरिफ अलवी जो है अभी मतलब बने हैं एक दो साल पहले सदर, हो सकता बुक पहले ही की प्रिंट हो। उसके बाद आते हैं हम इसी के कुछ पार्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या था, अभी उसको मैंने रफ कर दिया था, चलिए मैं उसको वर्बली बता देता हूँ ज़बानी। सही, एन इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन सिक्स। काउंटिंग बतानी है सिक्स से कम, जो सिक्स से छोटे नंबर हैं उन तमाम नंबर्स को हमने बताना है। सही, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूँ नंबर टू का, वो क्वेश्चन मैं रफ कर चुका था, कोई मसला नहीं है, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे जो भी मैंने लिखा हुआ था उसके बाद ये आंसर मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ सेकंड का। ये फर्स्ट का आंसर आ गया और उसके बाद मैं सेकंड का आंसर आपको लिखवा रहा हूँ। सेकंड के आंसर में जो है हमने सिक्स से छोटे नेशनल नंबर जो हैं वो बताने हैं। अब नेशनल नंबर क्या हैं सिक्स से छोटे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कहा जा रहा है लेस देन और यहाँ पर ये सेट कंप्लीट हो गया। असल में आपके नंबर वन ने जो है वो काफ़ी उसमें नाम थे इसलिए वो सेट बहुत बड़ा हो गया था। ये टू इसका कंप्लीट हुआ, इसका आप थ्री पे आ जाइए, वाई ए इक्वल्स टू ए एक्स सेट है जो कि वाई सच दैट वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री। थ्री के मल्टीपल्स बताने हैं, थ्री के मल्टीपल बताने हैं, कहाँ तक बताने हैं आप अब ये देखिए, इसमें जो हमें नंबर्स का एंड नहीं बताया है कि हमें कहाँ तक बताने हैं, वाई के थ्री के मल्टीपल्स बताने हैं और वो कहाँ तक बताने हैं वो कोई तादाद नहीं बताई हमें कि वो कहाँ तक नंबर को हमने बताना है। और हो सकता है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नंबर थ्री इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें लेस देन देख कह रखा था यानी कि सिक्स से छोटे लिखे थे, इसमें जो है हमें कोई क्वांटिटी नहीं बताई कहाँ तक लिखने। अब हम थ्री के टेबल्स में कुछ जो मेंबर्स हैं उसको लिख लेंगे जो थ्री से मल्टीप्लाई हो रहे हो वो लिख लेंगे, बाकी को हम डॉट्स लगा देंगे। यानी कि थ्री का टेबल पढ़े हम, थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, थ्री थ्री द नाइन, थ्री फोर द ट्वेल्व वगैरह, मतलब चलते चले जाएंगे ये थ्री फोर द ट्वेल्व। अभी तो एक लामहदूद सिलसिला है, सही इन्फिनिटी तक जा सकता है, लिहाजा हमने उसको क्या करा हमने फिर यहाँ पर कोमा लगाया और उसके बाद इन्फिनिटी के लिए यूज़ कर लिया और यहाँ पर यह आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इन केस अगर यहाँ पर लेस देन 12 कहा जाता तो हम 12 यहाँ नहीं लिखते, 9 तक लिखते, अगर 15 कहा जाता तो 12 तक लिखते, या इसी तरह अगर 18 अगर हमें बॉन्ड किया जाता तो वहीं तक लिखते, लेकिन अभी इन्होंने बॉन्ड नहीं करा है कहाँ तक, लिहाजा हमने उसको इन्फिनिटी का साइन दे दिया। उसके बाद आ जाइए आप इसी के पार्ट फोर पे,
पार्ट फोर हमें क्या कह रहा है, पार्ट फोर बी इक्वल्स टू एन एन सच दैट एन इज इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर्स बताने हैं हमें 10 से कम, इवन नंबर बताने हैं हमने 10 से कम, लिहाजा हमने 10 से कम जो नंबर होंगे उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाया। अब आप बताएं कौन कौन से नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8। 10 को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 10 जो है उसका नंबर, उस हमें उससे छोटे नंबर्स बताने हैं, हमें उससे छोटे नंबर्स बताने हैं। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा टू, इवन नंबर है फोर, मतलब टू का टेबल करें जो टू कम्प्लीटली डिवाइड होता हो वो इवन नंबर होते हैं, सही। तो अब टू से जो जो कम्प्लीट डिवाइड हो सकता है उसको, यानी इसका बेहतर है कि टू का टेबल पढ़ते चले हम। टू वन द टू, टू नंबर आ गया एक इवन, फोर आ गया हमारे पास इवन नंबर, टू थ्री द सिक्स हमारे पास इवन नंबर आ गया, टू फोर द एट इवन नंबर आ गया हमारे पास, एंड टू फाइव द 10 हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है लेस देन 10, 10 से कम, अगर हम इसमें लिहाजा इस सेट के अंदर 10 नहीं लिखेंगे और यहाँ पर ये इसका आंसर कम्प्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्स एक्स सच दैट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3। वो नंबर्स बताने हैं जो 3 से डिवाइड होते हों एंड और लेस देन 20, लेकिन वो नंबर बताने हैं जो 20 से कम हो। 3 के तमाम डिविजिबल बाय नंबर बताने हैं जो कि 20 से कम हो। लिहाजा हम लिखना शुरू करते हैं वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 का टेबल पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, सिंपल बिल्कुल, सही है। लिहाजा हमने नंबर 5, 3 वन द 3, 3 टू द 6, 3 थ्री द 9, 3 फोर द 12, 3 फाइव द 15, 3 सिक्स द 18, एंड अगर हम इससे आगे पढ़ते हैं टेबल क्या हो गया, 21 हो जाएगा, जबकि हमें किससे छोटे बताने, 20 से छोटे बताने। लिहाजा यहाँ पर ये आंसर इसका कंप्लीट हो गया। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर आपका, इसके 5 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं। 5 पार्ट के बाद आपने जो है 7 से लेकर, अब ये देखें नंबर 7 में नंबर 5 करा दिया, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये 3 जो हैं अब आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे इसमें से 3, सही, ताकि आपके प्रैक्टिस में आए। ये चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैथमेटिक्स के लिए जो है लाजमी है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स आपका होगा। इस्लामियत उर्दू साइंस नहीं है कि आप इसको रट्टा लगा के कर सकें। जितनी मर्तबा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। कभी भी आप लोग, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्टूडेंट्स करते ही हैं, सर ये जो है क्वेश्चन उसमें नहीं है, आपने कराया नहीं है। भाई नहीं कराया, वैल्यूज चेंज कर दी, क्वेश्चन कराया जाता है, वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यू चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप पर, आपको सोल्यूशन आना चाहिए, आपको हल आना चाहिए। अगर आपके प्रैक्टिस में होगा, वैल्यू कुछ भी हो आप सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं होगा तो ये रट्टा तो है नहीं कि आपने कॉपी में याद रखा था कि जी 2 के बाद ए है और ए के साथ सी है और डी है, इस तरह आपके जो है वो फिर कैंसिल हो जाता है। यही वजह होती है कि बाज़ औक़ात आप लोग जो है कॉपी करके देते हैं, बिल्कुल कॉपी घर में होमवर्क दिया जाता है, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हैं आप लोग बेध्यानी में। यहाँ भी अगर चेक हो जाए, अव्वल तो होता नहीं है, स्ट्रिक्टली चेक होता है, लेकिन बहरहाल वो चेक हो गया या पीछे आपने रफ़ करा तो पीछे का मिट गया, अब उस सूरत में गलत हो गया। गलत होने के बाद आप लोग करते क्या, नहीं जी ये वैल्यू ये थी। भाई देखें क्वेश्चन में अगर वैल्यू चेंज हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सोल्यूशन आना चाहिए, सही है।
ओके अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू पर आ जाए, बल्कि 3 नहीं, पहले 2 कर लेते हैं।